पहले ये बता प्रज्ञा का है? मुझे प्रज्ञा मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम, मुझे बता दो, बता दो, बता दो, बता दो, मैं बता रहा हूँ। आपकी प्रज्ञा यहाँ से भाग गई है। भाग गई? अकेले? मैं सच बोलूँ बिना किसी की मदद के? जब गई तुम लोगों ने मारा तो नहीं ना उसे? नहीं, हम लोगों ने उसे हाथ भी नहीं लगाया, हाथ भी नहीं लगाया। सच में भाग गई? बोल। जब हम सब सो रहे थे ना, तो उसने अपना किसी तरीके से हाथ खोल लिया और हम सबको यहां से चकमा देकर भाग गई। हम सब भी उसे ढूंढ रहे हैं। वो भाग गई? हाँ, भाग गई। मतलब प्रज्ञा अकेले ऐसे भाग गई? वो तो सच में झांसी की रानी निकली। वो यहां से भाग गई तो मुझे मिलने घर ही आ रही होगी। हाँ। तो मैं यहां क्या कर रहा हूं? तो आप यहां क्या कर रहे हो? पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। किया है तूने शेर का शिकार, और शेर का शिकार सिर्फ बब्बर शेर ही कर सकता है सर जी। गुड, वेरी वेरी गुड। बहुत होशियार बन रहा था ना, हीरो बन रहा था। मुझे मारेगा है? मुझे मारेगा? अब देखता हूं अभिषेक, मेरा तेरी एक एक चोट का बदला लूंगा तुझसे। सर जी, इस मजनू को अब कहां लेकर जाना है? वहीं जहां पे इसकी लैला को बांधा था, वहां पे इसे अगर बांधेंगे तो इसे अपने आप होश आ जाएगा। भाई साहब, ओ भाई साहब, भाई साहब, ओ भाई साहब, भाई साहब। मुझे मार रहा था? देख कैसा हाथ बरसा खड़ा हुआ है। मेरा गला दबा रहा था? दबा मेरा गला। और इसे कहते हैं अपनी पीठ में तीर लेना। गलती कर दी तूने यहां पर आकर। अब तू आ तो गया लेकिन जाएगा नहीं। तू मुझे खोल तो सही, उसके बाद तुझे देखा था। भाई साहब, अब आप और आपकी जान हमारे कब्जे में है, इससे थोड़ा तमीज और तहजीब से बात करो। और ये तू तड़ाक मुझे पसंद नहीं है, समझ आई? तड़प अभी थोड़ा और तड़प, तू जितना तड़पेगा मुझे उतना मजा आएगा। चलो रे, तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, ना प्रज्ञा को रोक पाए ना मुझे रोक पाओगे। और मैं यहां से भागूंगा नहीं, तुम सबको मार कर जाऊंगा।
जाने कैसे उसे सूंघता हुआ यहाँ तक आ गया। मेरी बात सुन, उसने तुम्हें देखा तो नहीं ना? नहीं तनु, उसने मुझे नहीं देखा। मेरे बंदों ने थोड़ा हाथ पैर चलाया मगर अब उसे बांध के रखा हुआ है। जब ये करने की क्या जरूरत थी तुम्हें? और क्या करता, आरती उतारता उसकी? नहीं नहीं, तुम्हारे हिसाब से मुझे ये करना चाहिए था कि मैं उससे कहता कि मेरे हाथ पैर बांधे, मुझे पीटे अच्छे से, उसके बाद मेरे मुंह से सच उगलवाए और अगर कसर बाकी रह गई हो तो जान से भी मार दे, है ना? शेर का शिकार अगर नहीं नहीं बनना तो उसका शिकार हमें खुद करना पड़ता है। तन रही बात है सभी की, अगर मैंने इसे पकड़ा है तो इसमें सिर्फ मेरा नहीं बल्कि तुम्हारा भी फायदा है। अगर वो मेरे मुंह से मेरा सच उगलवा लेता तो तुम्हारा भी सच सबके सामने आ जाता, इसलिए मैं जो कर रहा हूं मुझे करने दो और तुम अपने काम पे ध्यान रखो। तुम प्रज्ञा पे ध्यान रखो कि वो वहां ना आए, और अगर आए तो मुझे सबसे पहले बताओ, या फिर अगर वो फोन भी करे तो मुझे सबसे पहले इन्फॉर्म करो। रख रहा हूं फोन। क्या हुआ, तुम इतनी टेंशन में क्यों लग रहे? प्रज्ञा मिल गई उसे? हाँ, आई न्यू इट, He is useless. बोला था ना मैंने तुम्हें। वैसे तुम क्या बोल रही थी, किसने उसे नहीं देखा? किसने? तनु, अरे वो क्या अभी? भाई, भाई को क्या हुआ? तनु tell me, वो किडनैपिंग की जगह पे पहुंच गया और निखिल और उनके आदमियों ने अभी अभी को बांधी है। वो मेरे भाई है, तुम्हारे कुछ लगते नहीं है ना, इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। Just don't stop me. मेरा दिमाग क्यों काम नहीं कर रहा? अभी को पकड़े रहने में उसकी जान से ज्यादा मेरी जान को खतरा है। एक तलवार लटकी रहेगी जो कभी भी मेरी गर्दन पे गिर सकती है। कुछ तो करना पड़ेगा, इससे पहले कि तलवार मेरा गला काटे। मैं गला तो बाद में कटेगा, पहले ये मेरा खून पी जाएगी। हेलो आलिया। निखिल, यू स्काउंडर, हाउ डेयर यू! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को किडनैप करने की? मैंने तुम्हें कहा था, और कितनी बार मुझे तुम्हें बोलना पड़ेगा कि मेरे भाई से दूर रहो, लेकिन नहीं, तुम्हें बात समझ में नहीं आती ना निखिल। अब भी मौका है, मेरे भाई को वहां से जाने दो। अगर उनको कुछ भी हुआ ना, एक खरोच भी पड़ी ना निखिल, then I'm not gonna leave you this time. बोलती रहोगी या कुछ करोगी भी? What? अले मेरी बात ध्यान से सुनना। मैं तुम्हारी तरह ओवर स्मार्ट नहीं हूँ। ना ही मैं तनु की तरह बेवकूफ हूँ जो अभी को छोड़ दूंगा। और किसके लिए छोड़ू? इसलिए छोड़ू ताकि वो मुझे मारे पीटे, उसके बाद मेरे मुंह से सच उगलवा के मुझे पुलिस के हवाले करवा दे। मरने का इतना शौक नहीं है मुझे। तुम्हें जो करना है कर लो। मैं अभी को नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि मौत को मुंह लगाना निखिल की फितरत नहीं है। मरोगे तो तुम जरूर निखिल, ऐसे नहीं तो वैसे। तुम जैसे लोगों का वैसे भी एंड ऐसे ही लिखा होता है। अभी भी वक्त है, मेरे भाई को वहां से जाने दो, वरना याद रखना, उन्हें एक भी खरोच आई ना निखिल, तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें जान से मार दूंगी। मैं मुझे जान से मारूंगी? हाँ, मुझे जान से मारूंगी। जो करना है करो, तुम्हारे भाई को मैं नहीं छोड़ने वाला, समझ गई? उसकी हिम्मत किस हाल से मैं छोड़ूंगी नहीं तनु। आलिया आलिया, वेट वेट वेट, मेरी बात सुन, एक मिनट मेरी बात सुन। निखिल ने अभी को इसलिए किडनैप किया क्योंकि वो खुद को बचाना चाहता है। मैं अपने भाई को बचाना चाहती हूँ तनु। नहीं आलिया, तुम अपने सेल्फिश रीजन की वजह से वहां पे जा रही हो ताकि निखिल के थ्रू तुम्हारा सच पाओ। साली कुत्तों वाली जिंदगी हो गई है। प्रज्ञा को मारने जाओ तो अभी बचाने आ जाता है, और अभी को मारने जाओ तो उसकी बहन बचाने आ जाती है।
और मैं बस अपनी दुम दबा के यहां से वहां भागता रहूं। क्या है सर जी, उस रॉक स्टार का क्या करना है? उसके हाथ में गिटार पकड़ा और गाना सुनना शुरू कर दिया। गिटार? सर गिटार का अपने पास क्या काम? मेरा मतलब नहीं लेके आ जाएंगे उसके लिए। सर जी एक बात बोलूं, उसका कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो बार बार भागने की कोशिश कर रहा है और तो और हमें धमकी भी दे रहा था। तुम सबको मार के निकलूंगा मैं यहाँ से, और तुम्हारा बॉस, तुम्हारे बॉस को तो मैं कुत्ते की मौत मारूंगा, कुत्ते की मौत। मेरे भाई को वहां से जाने दो, अगर उनको कुछ भी हुआ ना, एक खरोंच भी पड़ी ना निखिल, then I'm not gonna leave you this time। मैंने कहा मार दो उसे जान से। हाँ। खत्म कर दो, खत्म कर दो अभिषेक मेहरा को, जाओ। चलो मैडम जी, वो तो सिथे का उतर गए, वो जी ढाबा था जी अगे है। मैं यहाँ से चली जाऊंगी। थैंक यू सो मच। वो जी एक मिनट, वो आपने तो कहा था आपके हस्बैंड होंगे वहां पे। वो जी यहाँ पे तो कोई भी नहीं दिख रहा। वो आते ही होंगे। क्या बात है मैडम जी, आप बहुत परेशान लग रही हैं, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, हम यहीं पे हैं, आपके पति को ढूंढने में हम पूरी मदद करेंगे। नहीं मैं चली जाऊँ, मेरा मतलब है वो आ जाएंगे, हम मिल जाएंगे, आप लोग फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। ओके? एक बात समझ में आ रही मैडम जी, आपके पति भी आपको लेने शादी के जोड़े में ही आएंगे। ओए, और तूने क्या लेना था ना, वो क्या पहन के आएंगे, तू चुप नहीं रह सकता? शादी का जोड़ा? इन्होंने मुझे शादी के जोड़े में देख लिया तो 100 सवाल करेंगे। ये ड्रामा कंपनी की ट्रक है, यहाँ से ड्रेस मिल सकती। एक मिनट भाई साहब, दरअसल एक और मदद चाहिए थे। हाँ जी दसो। मुझे ये कपड़े बदलने थे तो आपकी ट्रक से कोई। क्यों, अब आपको अचानक ड्रेस क्यों बदलनी है? ओ तो चुप नहीं रह सकता है, जल्दी देखो पे 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 करता रहना, चुप। ओ मैडम जी, आपको जो कपड़े चाहिए ना वो ले लीजिए। ओ जी दरअसल ये है, आपको ना ये लहंगा हमें देना पड़ेगा, ओ क्योंकि हमारा ना ड्रामा के कॉस्ट्यूम्स है, ओ जी पूरा रिकॉर्ड देना पड़ता है उनको, ओ जी इस करके आपको ये लहंगा हमें देना पड़ेगा। कोई बात नहीं, मैं ये ड्रेस टेम्पो में ही छोड़ देती हूँ। ठीक है जी, ओ जोन सी आपको ड्रेस अच्छी लगे आप ले लो जी। हे भगवान, मेरी प्रज्ञा का साथ देना और अभी की मदद करना कि वो प्रज्ञा को ढूंढ ले, मेरी प्रज्ञा मिल जाए बस। हेलो माँ, प्रज्ञा, प्रज्ञा, प्रज्ञा तू बोल रही है ना? हाँ माँ, मैं प्रज्ञा बोल रही हूँ। तू कहाँ है बेटा? वो गुंडे तो तुझे किडनैप करके ले गए थे ना, वो चार लोग थे, तू कहाँ से बोल रहे हैं? तो क्या वो उनके यहाँ से भाग आई है क्या? प्रज्ञा बोल रही जल्दी बोल। हाँ माँ मैं ठीक हूँ। किडनैपर्स के पास नहीं हूँ मैं, वहाँ से भाग आई हूँ। कैसे 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 भागी तू वहाँ से? उन्होंने तुझे जाने दिया? हाँ माँ मैं बताती हूँ ना। मेरी बच्ची तो बहुत बहादुर है, तूने कितनी हिम्मत से उन गुंडों का सामना किया और भाग गई। अच्छा सुन, अब मेरी परेशानी कम होगी तो मैं एक काम करती हूँ, मैं तुझे वहाँ लेने आती हूँ, तू वहीं रुक। नहीं मैं पूरब को भेजती हूँ, पूरब और पुलिस तुझे लेने आ जाएंगे, फिर तुझे घर ले आएंगे। घर? हाँ, तू घर नहीं आना चाहती? हम लोग कितने परेशान हैं। हम लोग यही हैं बाबी के घर पे। मैं, बीजी, जानकी और अभी की दादी, इंदु दासी, सब बहुत परेशान हैं, सब तेरा इंतजार कर रहे हैं। तू घर आ जाएगी तो सब खुश हो जाएगी। तुझे पता है
मैंने जब अभी को बताया ना कि तेरा कितना पॉकेट तो उसने अपनी शादी भी रोक दी, सारे फेरे भी पूरे नहीं किए और तुझे बताने के लिए वो शादी छोड़कर चला गया। जब उसे पता चलेगा कि तुम मिल गए तो वो कितना खुश होगा। वो खुश तो तब होंगे ना जब आप उन्हें बता पाएंगी। मतलब उनका फोन पता नहीं कहाँ होगा माँ, और वो पता नहीं कैसे होंगे। प्रज्ञा तो क्या कह रही है, तू ठीक तो है ना? तो ऐसी क्या कह रही है? नहीं मैं प्रज्ञा देख चलती पता क्या हुआ है। तुम दोनों ठीक तो हो? मेरा मन बहुत घबरा रहा है। माँ मैं तो ठीक हूँ लेकिन वो ठीक नहीं है, बहुत बड़ी मुसीबत में है। क्या हो क्या अभी को? माँ वो दरअसल मुझे बचाने के लिए वहाँ पहुँचे, तब तक मैं वहाँ से निकल चुकी थी और गुंडों ने उन्हें पकड़ लिया और उन्हें मारने की कोशिश भी कर सकते, उनकी जान का खतरे में। माँ मुझे वहाँ जाना होगा। करूं यार, कैसे संभालूं सिचुएशन को? ये दोनों भाई बहन मुझे मारने की धमकी दे रहे हैं और मैं इन्हें, अगर ये फोन आलिया का हुआ तो आज मैं इसे बोलो। तनु तुम भी अपनी भड़ास निकाल लो। जानता हूं सारे काम उल्टे करता हूँ, उल्टे दिमाग का हूँ ना, इसलिए मेरे से कोई काम नहीं होता। निखिल मैं तुम्हें क्या, तुमने मुझे क्या सुनाने के लिए फोन किया है ना? तो सुनाओ अच्छे से, मेरा जीवन में यही तो मकसद है। जिसका सुनाने का मन करे मेरे को सुना के जाए। मंदिर का घंटा हूँ ना, जो आता है बजा के चला जाता है। लेकिन तनु एक बात मैं बता देता हूँ, अगर मैं सबकी बैंड बजाने पे आया ना तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। निखिल तुमने जो भी किया है ना वो बिल्कुल गलत किया है। बिल्कुल गलत किया है लेकिन मेरे हिसाब से वो बिल्कुल सही है। और तुम वहाँ बैठी बैठी क्या कमेंट्री दे रही हो यार? अगर मेरी जगह यहाँ इस सिचुएशन में होती तो पता लगता कि मैंने जो किया है वो बिल्कुल ठीक है। बस बहुत हो गया, बोलते ही जा रहे हो। अब मेरी बात ध्यान से सुन, अगर तुमने अभी को अब तक कुछ भी नहीं किया तो अभी कुछ मत करना। उसे चोट भी नहीं लगनी चाहिए क्योंकि उसे जरा सी भी खरोच आई ना तो क्या तुमसे बुरा और कोई नहीं होगा। धमकी दे रही हो मुझे? धमकी नहीं दे रही हूँ, वार्निंग दे रही हूँ। आलिया यहाँ से निकल चुकी तुम्हारे पास आने के लिए। अगर तुमने अभी को कुछ भी किया ना तो इस बार आलिया तुम्हें नहीं छोड़ेगी, वो बहुत ज्यादा गुस्से में। इनफैक्ट अगर अभी आपको जिंदा रखना हो ना तो अभी से बहुत ज्यादा दूर रहना। तुम ना तुम मरने वाले हो समझे, तुम अभी को कुछ भी मत करना। यार ये क्या हो गया, एक साथ सारी मुसीबत मेरी तरफ आ रही है। यहाँ मैंने डमरू को भेज दिया है अभी को मारने, और वहां से आल्या आ रही है मुझे मारने। डमरू जा रहा है, आल्या आ रही है, डमरू जा रहा है, आल्या आ रही है। नहीं, मुझे डमरू को रोकना होगा। हेलो हेलो हेलो, ये क्या बोल रहा था, कुछ समझ में ही नहीं आया। चलो ठीक है, मैंने अपनी बात तो बोल दी, अब वो भी अलर्ट हो जाएगा। ठीक है अब मैं रखती हूँ, हम दोनों जल्दी घर आ जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। थैंक यू, सॉरी वो बात जरा लंबी हो गई। ओ कोई ना जी, ओ पर ना आपकी बातों से लग रहा है कि आपके पति किसी मुसीबत में है और आप उन्हें बचाने निकली हैं। हम दुआ करेंगे कि आपके पति आपको जल्दी मिल जाए। हाँ जी वो तो मिलेंगे ही, क्योंकि औरत जब कोई बात ठान लेती है तो उसे पूरा करके ही रहती है। अच्छा, मेरी माँ ने मुझे बताया था। थैंक यू, अब मैं चलती। मैं आ रही हूँ, मैंने आपका बहुत इंतजार किया था, आप बस थोड़ा इंतजार कर लीजिए फिर हम दोनों एक साथ घर जाएंगे। Ah!
आपको, आप ही में वो बात है, आप ही बनोगे जुर्म की दुनिया के बेताज बादशाह। भाई आप ही मर्डर करो उस रॉक स्टार अभिषेक मेहरा का। क्या बात है भाई, सर जी खुश हो जाएंगे। और फिर उनका ऑर्डर इतनी जल्दी पूरा कर दिया। तो फिर टाइम क्यों वेस्ट करना, चलो चलकर करते हैं अपनी पहली प्रोफेशनल किलिंग। पहला खून, वो भी एक रॉक स्टार का। चलो चलो, बहुत किस्मत वाला है तू जो अपनी बीवी से फिर भी मिल लेगा, लेकिन ये तू कभी अपनी बीवी नहीं, अपनी प्रेमिका नहीं, अपनी प्रज्ञा से कभी नहीं मिल पाएगा। बहुत प्यार करती है वो तुझसे। अरे सिसकियां ले लेकर रोती थी वो यहां पर, और उसने यहां पर अपनी लव स्टोरी भी सुनाई थी, और वो सुनने के बाद ये साले सबके सब इमोशनल भी हो गए थे। बेचारी, उसे क्या मालूम था जो लव स्टोरी वो यहां पर सुना कर गई है उसका दायन मैं करने वाला हूं तुझे मारकर। ये तो हो नहीं था। अरे भैया ये तो हो नहीं था, क्योंकि हर हिट लव स्टोरी का एंड सैड ही होता है, या तो हीरोइन मरती है या फिर हीरो। काश वो यहां होती, काश प्रज्ञा यहां होती, तो हम तुम दोनों को एक साथ मारकर अमर कर देते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, अब तू अकेला ही सही। तो फिर सोच क्या रहे हो भाई, इसे मारकर ये स्टोरी यहीं पर खत्म करो और अपनी गैंग का नाम मशहूर करो। मार दो इसे। इसे मारने की जरूरत नहीं है। लेकिन सर जी आपने तो बोला था कि इसको मार दो। अरे हां, तो मैं ही तुमसे कह रहा हूं कि इसे मारने की जरूरत नहीं है, तुम में से कोई भी इसे हाथ तक नहीं लगाएगा। ये आवाज पास से सुन रहे हो तो? हाँ अब क्लियर हो रही है ये आवाज तो हमारी आवाज मैंने सुनी है कहीं पर। तुम निखिल तो नहीं? प्रज्ञा को बीच नहीं, पूरव को फोन लगा रही हूँ। वो प्रज्ञा, क्या हुआ प्रज्ञा को? प्रज्ञा का फोन आया था। प्रज्ञा का फोन आया? अच्छा अच्छा, उन गुंडों का फोन आया होगा, पैसों की डिमांड करके उसे छोड़ना चाहते हैं। कितने पैसे मांग रहे हैं बताइए ना। नहीं नहीं, वो प्रज्ञा वहां से भाग गई है। उसका फोन आया था, वो कह रही थी कि बताया कि वो अभी अभी यहाँ फंस गए हैं, वो किडनैपर्स के बीच में, इसलिए वो। ओहो, ये इस लड़की ने बिल्कुल ठीक नहीं किया। अरे एक बार उनके चंगुल से बाहर निकल आई तो कोई जरूरी है कि दोबारा भी बच जाए? उसको ना पुलिस को बुलाना चाहिए या पूरब को भेज दे। पीछे मैंने उसे समझाया लेकिन
प्रज्ञा को ऐसा नहीं करना चाहिए था। कुछ भी कहो, सरला गलत किया उसने, ये ठीक नहीं किया। उसने बिल्कुल ठीक किया। उसने वही किया जो एक पत्नी अपने पति के लिए कर सकती है। अभी प्रज्ञा को अपनी दोस्त समझ के बचाने जा सकता है तो वो तो इसका सुहाग है ना, तो ये उसको वहां अकेले कैसे छोड़ सकती है। एक तो अपने प्यार के लिए लड़ रहा है और दूसरा अपने सुहाग के लिए, इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए ये दोनों अलग नहीं रह सकते। किस्मत कितना भी इनको दूर रखने की कोशिश करे ये उतना ही एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। कितनी घटिया जगह चुनी है इसने खेलने किडनैपिंग के लिए, वो घंटे लग गए यहाँ आने में, है कहाँ ही? छोड़ूंगी नहीं उसे, हिम्मत कैसे हुई उसे मेरे भाई को पकड़ के रखने की, और या तो ये नहीं या मैं नहीं। और ये देखो ड्यूटी पर सोया पड़ा, नो वंडर प्रज्ञा यहां से कैसे भागी होगी ये सबको पता चल चुका होगा। बाहर से तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा, वो कमरा था कहां जहां मुझे बांध कर रखा था। कहां है ये निखिल? चिल्ला के बुला भी नहीं सकती, भाई ने सुन लिया तो उन्हें पता चल जाएगा कि मैं यहां पर हूं। और यूं ही अंदर भी तो नहीं जा सकती, सब एक साथ एक जगह हुए तो वो कहीं मुझे ही ना पकड़ ले। नहीं नहीं, मुझे बिना किसी की नजर में आए इन्हें बचा कर ले जाना होगा। कहां ढूंढूं उसे इस घटिया जगह पर, उसका कोई आदमी भी नहीं दिख रहा, एक दिखा वो सो रहा है। वो मोबाइल किसका पड़ा है वहां पर? ये तो निखिल का लग रहा है मोबाइल, इसने यहाँ के छोड़ा, इडियट है एक नंबर का। वैसे देखती हूँ इसने किसको फोन किया है। पहले मुझे धमकी दे रही थी, अब जासूसी कर रही है, इसके बाद मुझे मारने का प्लान होगा। क्यों? अब तू बहुत समझदार हो गया है, दर्जी के कान में क्या कुसर पुसर कर रहा था? अरे अपना विजय है ना, विजय को किसी ने बामू मार के बेहोश कर दिया, बाहर पड़े रहे वो। तम्मा दारू पीकर होगा कहीं पड़ा होगा। वो है कमरा जहां मुझे बांध रखा था, इनको भी वही बांधा होगा, लेकिन इन लोगों के यहाँ रहते हुए मैं अंदर कैसे जाऊंगी? मुझे पहले ही इन लोगों को यहाँ से भगाना होगा, पर करूं क्या? आग लगा दूं यहाँ? आग लगेगी तो ये आग बुझाने भागेंगे और मैं पीछे से उस कमरे में घुस जाऊंगी। नहीं नहीं, ये नहीं करना, जहाँ इन्हें बांध रखा है वहां भी तो सूखी घास रखी, आग फैल कर वहां चली गई तो वहां आग लग जाएगी। नहीं नहीं, क्या करूं क्या करूं मैं? पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर।